पहाड़ी सेलिब्रेशन में पहाड़ी डांस ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। देखिए चाची जी का पहाड़ी डांस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नू अरेड़ा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि कुछ टाइम पहले मैं रानीखेत गया था। आपने पहले वाला व्लॉग मेरा देखा होगा, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ जीजू जो मकान बना रहे थे वहाँ पे बुनियाद डल रही थी, तो वहाँ पे पूजा थी। तो पिछले बार हम इसीलिए गए हुए थे, और इस बार का जो व्लॉग है इसमें उनका मकान पूरा कम्प्लीट हो चुका है और वहाँ आज है गृह प्रवेश। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रानीखेत की हसीन से रूबरू कराता हूँ और दिखाता हूँ जीजू का जो कंप्लीट हो चुका है रानीखेत का मकान। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं रानीखेत में। ये जीजू के घर की सबसे बड़ी पहचान है, उनके पापा जी और मम्मी जी का नाम श्री नारायण निवास एंड गोविंद की देवी। ये जीजू के घर का फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हाउस है जीजू का। और यहाँ से देखो कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आ रही होगी आप लोगों को। बहुत ही प्यारा मौसम रहता है यहाँ पे, हर समय हर मौसम में, जाड़े हो चाहे गर्मी हो। ये उनके घर का बैक साइड है जहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पे आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। और गांव के घर देखिए कितने सुंदर चार चांद लग जाते हैं जब पहाड़ियों के बीच में इतने सुंदर सुंदर घर बने हों। तो आप देख सकते हैं गांव का माहौल बिल्कुल हटके है, बिल्कुल मतलब क्या बताऊं मैं आपको। यहां पे आके तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी जैसे जन्नत में आ गए हों। आप देख सकते हैं हल्की हल्की धुंध उठती हुई पहाड़ियों से कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो सामने दिख रहा है गांव, वो वहाँ पे हमारा गांव है, यानी कि मेरा गांव। अभी मैं वहाँ पे जा नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ का विज़िट कराऊँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना सुंदर गांव है यहाँ पे। अभी हम जीजू के चाचा जी के घर आए हुए हैं, देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर घर है। मतलब कि पहाड़ों में आपने बहुत ही कम इतने सुंदर घर देखे होंगे, जिनमें से एक चाचा जी का घर भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिखता है पहाड़ों का, और नीचे देखिए वहाँ पे ग्रीन मैदान। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा कुछ काम भी कर लेते हैं कभी कभी, जब गाँव आए हैं तो थोड़ा गाँव में काम करना बनता है। अब हमारा यूवी भी उठ चुका है, आप देख सकते हैं यूवी की गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है यहाँ से। हाय यूवी। यूवी अभी नींद में है तो कुछ बोलने के मूड में नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी यहाँ की खासियत है पहाड़ की कि पहाड़ में कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो सबसे पहले पहाड़ की मिट्टी उसमें यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दीदी और उनकी जेठानी जी अभी मिट्टी लेके आई हैं। इन मिट्टी से अभी ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो इसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, पूजा की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ सबसे संस्कारी लड़के, जी हाँ संस्कारी लड़का मन्नू राणा। देख सकते हैं आप मन्नू राणा अभी देखिए कैसे सेवा पानी कर रहा है मेहमानों की। अभी ये मन्नू राणा द्वारा चाय पिलाई जा रही है मेहमानों को, पहाड़ के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कभी कभी ये भी काम कर लेता है, हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इनसे मिलिए, ये हमारे हैंडसम जीजू, क्या बात है। पूजा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ जो सामग्री होती है पूजा में वो सब तैयार है पंडित जी द्वारा। तो आप देख सकते हैं अब कुछ ही देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए मैं आपको अपनी फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ। ये है मेरी मम्मी, छोटी सिस्टर ललिता दी, बड़ी दी सीला दी एंड आदि। आप क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूजा के लिए दीदी द्वारा बड़े बनाए जा रहे हैं और कढ़ाई में तेल रख चुका है। अब ये बड़े इसमें तले जाएंगे। ये बड़े के लिए है।
डाल के तेल में तब। और इधर खाने की तैयारियां हो रही है फ्रेंड्स। सबसे खास बात मुझे पहाड़ों की ये लगती है कि यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ या कुछ भी शादी विवाह होता है तो सब जो यहाँ का जो खाना बनता है ना, शादियों में हो गया या फिर आप पूजा पाठ में देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है वो यह है कि यहाँ के गाँव के लोग खुद खाना बनाते हैं, और मतलब कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो गाँव के लोग होते हैं सब मिलकर खाना बनाते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सब लोग मिलजुल के खाना। और ये देखिए बड़े बुजुर्गों को यहाँ पे गप्पे चल रही हैं और थोड़ा चाय की चुस्कियों के साथ, पापा भी लगे हैं काम में और सब लोग सब्जी भी सब्जियाँ कट रही है, मिक्स वेज की तैयारियाँ हो रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंडा है तो जुकाम भी लग गया था मुझे। और अंदर अभी पूजा चल रही है, पूजा के बाद जो भी है खाने वाने का सीन होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स वेज बन रही है बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में, और कितना अच्छा कलर जो है सब्जी का लग रहा है अभी तो देखकर, मतलब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से। अभी तो पूजा ख़त्म होने तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि पेट पूजा होगी, पर लेकिन मज़ा ही आ गया कुछ सब्जी में देखकर ही लग रहा है कि बहुत टेस्टी बनने वाली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में भैया के द्वारा बनाई जा रही है। साष्टांग प्रणाम करो। चले राम घर को देख, इस बच्चे को देखो, ये अपने पापा को ही भूल गया। मामा को देख, मामा क्या बना रहा है, ये अपने पापा को ही भूलिए अभी पापा की। और इनसे मिलिए फ्रेंड्स, ये है यूवी के पापा छोटे जीजू चंदन जीजू, और ये अभी अभी नैनीताल से रानीखेत पहुंचे हैं। बहुत बड़ा वाला नौटंकी है ये। हाय बोल दो, हाय हाय। क्या नेम है आपका? आदित्य सिंह नेगी। आदित्य सिंह नेगी, अच्छा। और आज कहाँ आए हो आप घूमने? अपने बुढ़े वाले ननिहाल आए। बुढ़े वाले ननिहाल, अच्छा। आप तो बहुत क्यूट हो। वेलकम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? स्कूल जाते हो? नहीं जाते अभी, लॉकडाउन लग गया। अच्छा लॉकडाउन लग गया। हाँ अभी जीरो में हो, अच्छा। अब आप डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। अभी पूजा में लगभग लगभग सभी मेहमान आ चुके हैं, और पूजा में क्या पहाड़ों में जो फंक्शन होते हैं सब में मेहमानों से ही रौनक होती है। आप देख सकते हैं कितनी रौनक दिखाई दे रही है। और इनसे मिलिए, ये है मेरी छोटी सी क्यूट सी भांजी सगुन, शर्मीली है थोड़ी। अब थोड़ा सा काम भी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पहाड़ों में जो अपने घरों को छोड़ के गए थे, तो उन लोगों के घर देखो अभी कैसे हो गए हैं, पुराने घर। पहले जीजू का भी घर ऐसा ही था जो पुराना हो चुका था, तो अब जाके जीजू ने नया जो घर बनाया है तो मुझे काफ़ी पसंद आया है जीजू का घर।
हवन की तैयारी स्टार्ट हो गई है, कुछ ही देर में हवन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि पंडित जी द्वारा पूरी विधि विधान से पूजा की जा रही है। तो आजकल तो क्या है कि बहुत से लोग होते हैं कि जो शॉर्ट में पूजा कर लेते हैं, पर लेकिन यहाँ पहाड़ में अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि पूजा में पूरा पूरा टाइम देते हैं अपना पंडित जी लोग। तो देख सकते हैं पूरी विधि विधान के साथ पूजा हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। आप देख सकते हैं चाची जी का बहुत ही सुंदर पहाड़ी डांस यहाँ पे। चाची जी हेलो। बात है जीजू, गोल गोल पूरियां बनाई जा रही हैं क्या? और देखिए अब गर्मा गर्म पूरियां तैयार हैं। जी हाँ बिल्कुल, मतलब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल। अब सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बस पूरियां देख के ऐसा लग रहा है कि कब टूट पड़ूँगा। और देख सकते हैं बड़े भी तैयार हैं और यहाँ खाना स्टार्ट हो चुका है लोगों का। और डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़ने वादियां। तो फ्रेंड्स हम लोग भी करते हैं पेट पूजा, और हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए हम बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको मेरे आगे के व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। डाली डाली फूलों की तुझे